बेसिकली ये जो वीडियो अभी आप लोग जो देख रहे हो, ये आपका पार्ट वन है। पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर मेरे चैनल में अवेलेबल रहेगा, जैसे देख सकते हो आप लिस्ट में, फोटो में भी आप लोग देख सकते हो। तो सारा पार्ट मेरे वीडियो में भी अवेलेबल होने वाला है, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुरी आशीष। तो ये जो बेसिकली आप वीडियो देख रहे हो, ये आपका गोलमुरी का वीडियो है, जहाँ पर कि तिब्बत मार्केट लगता है, जो कि मोर के शेप में बनाया गया है, और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। तो आप लोग इस दृश्य को देखो और इन्जॉय करो, और ऐसे ही आपको इस वीडियो में बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पार्ट वन वीडियो है। पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव सब के सब आज ही अपलोड होने वाला है, आज या फिर कल मॉर्निंग तक सारा का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड हो जाए टोटल पार्ट। तो सारा का सारा पार्ट का आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाओ, वहाँ से फाइंड करो, आपको मिलना ही मिलना है वो एरिया का। तो देखो जय माँ दुर्गे, काफ़ी खूबसूरत पंडाल बना हुआ है, साथ साथ माँ की प्रतिमा भी काफ़ी ज़्यादा सुहावनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन भावन प्रतिमा है माता की। जय माता दी, आप लोग देखो एंजॉय करो। और ये जो भी इस वक्त आप पंडाल देख रहे हो, दूसरा पंडाल, ये है आपका आकाश द्वीप प्लाजा, ये रहा, और जस्ट उसके बगल में ये पंडाल बनता है। ये भी काफ़ी मतलब शांति वातावरण में ये पंडाल को बनाया जाता है। पहले यहाँ पर मेला वगैरह नहीं लगता था, लेकिन अब से पंडाल में यहाँ पर ही मेला वगैरह लगेगा। साइड साइड में आप लोग देख सकते, देखना मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि मेला वगैरह यहाँ पर भी लगा हुआ है, थोड़ा बहुत झूला वगैरह, कुछ शॉप्स वगैरह, कूड़ा कूड़ी के सामान वगैरह, झूला वाला सब नहीं। तो यहाँ की जो भी प्रतिमा जो है, वो उसको भी स्थापना नहीं किया गया है। सो दिस सीज़न में अभी अंदर नहीं घुसा हुआ हूँ, मैं जस्ट आपको बाहर से ही पंडाल दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। अंदर में अभी प्रतिमा जो है वो पूरी तरह से अभी स्थापित नहीं है, अभी बनाया जा रहा है मूर्ति के जस्ट बगल में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे मेन पंडाल की ओर, वो है एग्रिको का द मोस्ट फेमस ऑफ जमशेदपुर पंडाल। जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फेमस पंडाल, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड पंडाल जो लगा, वो मुझे यही लगा कि इतना ज़्यादा इस पंडाल में डिटेलिंग किया गया है ना, बिकॉज ये एक मंदिर के मतलब फॉर्म में बनाया गया है। और देख सकते हो साउथ का एक मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा मंदिर है, मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया हुआ था। अगर आप मेरा वीडियो देखते होगे तो शॉर्ट्स में आप लोग 100% पता चल चुका होगा। तो आप लोग इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने इस वीडियो को बनाया, और काफ़ी ज़्यादा इसमें नक्काशी जो है ना, जो मंदिर के दीवार पर नक्काशी वगैरह किया गया है, बहुत बहुत खूबसूरत है। और मंदिर देखने में आपको कैमरा में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यार बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कैमरा में यार अच्छा से मतलब क्या बोला जाए, इस मंदिर के साथ में यार मतलब अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसका वीडियो नहीं बन पा रहा, क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतना बेटर नहीं है मेरा। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे देखोगे ना, जमशेदपुर के आसपास में एग्रिको वाले एरिया में, तो आपको ये पता चलेगा कितना ह्यूज ये पंडाल है और कितना खूबसूरत है ये पंडाल। तो देखो आप लोग धीरे धीरे हर कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल देखो विथ म्यूज़िक और इन्जॉय करो। तब तक सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो यार, या कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर, शेयर वगैरह कर दो, मन कर रहा तो थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। चलो जय माता दी का नाम लेकर के आप लोग देखो, जय माता दी।
ये जैसे ही आप एग्रीको से आप साक्षी की ओर जाओगे तो बीच में जो एक होम पाइक वाला एरिया पड़ता है, जहाँ पर कि बजरंग बली की विशाल मूर्ति है, जय श्री राम जय हनुमान, यहाँ पर भी एक काफ़ी प्यारा सा पंडाल बनता है। तो देख लो, यहाँ पर भी दुर्गा माँ का भी जो मूर्ति जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनका जो फेस जो है वो भी ढका हुआ है। सो दिस इज, मैं अभी अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैं बाहर से ही पंडाल आपको दिखा रहा हूँ। देख लो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे ये पंडाल देख करके। देखो आप लोग बगल से बजरंग बली का आशीर्वाद लेते रहो और देखो इस पंडाल को, उसके बाद में हम लोग आपको एक और पंडाल दिखाएंगे। तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं साक्षी के मोस्ट फेमस और जिसका काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था पंडाल का, कि वो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त पंडाल बनता है वगैरह वगैरह। नो डाउट यहाँ पर हमेशा की तरह पंडाल काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना है और काफ़ी डिफरेंट तरीका का बनाया है, लेकिन इस पंडाल को पूरा तरीका से बनाया नहीं जा सका है, जो कि आपको देख करके जब मैं सामने जाऊँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पंडाल का जो डिटेल है, उस तरह से डिटेलिंग वगैरह नहीं की जा पाई है, वरना अगर इस पंडाल का पूरा डिटेलिंग करके बनाया जाता ना, तो फिर ये पंडाल नंबर वन में रहता। तो चलो हम लोग सामने से देखते हैं, भोले बाबा का दर्शन कर लो, हर हर महादेव, और उसके बाद में हम लोग अभी अंदर चलते हैं इस पंडाल के। पंडाल बेसिकली बरगद पेड़ के फॉर्म में बनाया जा रहा था। बरगद पेड़ को शायद एक माँ की तरह दिखाया जाता है, और जिसके कि अंदर एक पूरी दुनिया बसी है, जानवर रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और बहुत सारे मंदिर रहते हैं। इस तरीके से इस पंडाल को बनाया जा रहा था, और देख सकते हो एक आँख हल्का सा खुला है, एक आँख बंद है। पंडाल का डिटेल जो है उस तरह से नहीं किया जा सका, बिकॉज़ बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण कि बहुत सारा जो कलाकारी है वो नहीं दिख पाया पंडाल बनाने में। लेकिन चलो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, पूरा जानवर आप लोगों को दिखाई देगा, बहुत कुछ दिखाई देगा। आप लोग म्यूज़िक के साथ में देखो, आप लोग दर्शन करो माता का, जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको साक्षी के और भी पंडाल, बिष्टुपुर के, आदित्यपुर के, मानगो के, बारीडी के, सीतगोड़ा के, हर पंडाल आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून, चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो और चैनल का वीडियो लिस्ट देखो, उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल रहेगा ही।